जी भाई, कैसे आप लोग? तो आज सैटरडे एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं गांव जा रहा हूँ, अपने गांव कुछ काम से जा रहा हूँ। शादी है मेरे भाई की, कजिन भाई की, ये ट्रैवल वीडियो है। तो फिलहाल तो लेट हो रहा है, तो चलते हैं। Feeling this way for far too long, and now you're gone. Took me away from all of my fears, kept me. ये थी वो बस जिस बस में हम लोग आए, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो अभी भी लोग उतर रहे हैं और ये सनराइज हो रहा है। अभी काफ़ी टाइम से शुरू हो गया था लेकिन अब हो रहा है। और इतना महंगा कैमरा है मेरे पास लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं है इतना कि मैं हर जगह लेके घूमूं, और फ़ोन से ब्लॉग करना काफ़ी ईजी होता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए। बस की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, मेरे को आदत नहीं है बस से ट्रैवल करने के लिए, खास करके एसी वाली बस से। थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, उल्टी जैसा फील हो रहा था, लेकिन उल्टी हुई नहीं, अच्छी बात है। और खाने के लिए मैंने कुछ लिया था, मैं खा नहीं पाया क्योंकि बस इतनी हिल रही थी अंदर से, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग पहुँच गए और आगे देखते हैं। बाय बाय बस। और ये सनराइज काफ़ी खूबसूरत। और ये फाइनली हमारा कैमरा बैग से निकल रहा है, कल रात से इसको मैंने निकाला नहीं है बाहर। ये हमारा कैमरा हो गया, ये इस पे माइक हो गया, अभी ये माइक कैमरा भी लगेगा, और ये ट्राईपॉड हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें जो कैरी करनी पड़ती है अगर आपको व्लॉग्स बनाने हैं। और ये निकॉन का कैमरा हो गया। बाय द वे, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैं भाई की शादी में, मेरे कज़िन भाई की शादी में, तो इसलिए मैं दो कैमरा लाया हूँ। इससे मैं फ़ोटोशूट्स करूँगा, मतलब फ़ोटोज़ खींचूँगा, और इससे मैं व्लॉग करूँगा। तो पहले ये सब कर लेते हैं और अभी स्विच करते हैं हमारे मेन कैमरा पे, ताकि क्वालिटी यहाँ से थोड़ी बेहतर हो जाए। सो गाइज, ये है हमारे कैमरे वाली क्वालिटी। तो कैमरे की क्वालिटी बेहतर होगी फ़ोन से, जाहिर सी बात है, माइक की क्वालिटी भी बेहतर होगी, लेकिन ये कैरी करना इतना आसान नहीं होता।
क्योंकि बहुत भारी सेटअप है और इसका वेट पता नहीं कितना होगा, लगभग बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा फ्रेश हो गया थोड़ा अच्छा लग रहा है और भाई भी आ गया है लेने, तो अब मैं गाँव जा रहा हूँ, मतलब अपने घर जा रहा हूँ जहाँ पे शादी है। और बस अब आप आगे देखें, वैसे तो मैं यहाँ पे आ गया और ट्रैवल लॉग मुझे इतना सा ही रखना था, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा ये, तो अभी घर जाते हैं फ्रेश, आराम से फ्रेश होते हैं। रात को बिरयानी मंगाई थी मैंने जो मैं ख़त्म नहीं कर पाया, तो अब घर जाऊंगा, मस्त फ्रेश होऊंगा, बिरयानी खाऊंगा और सो जाऊंगा, फिर सोने के बाद सीधा वापस मिलता, ठीक है। बाय द वे ये ऐसा कुछ है, ये बस स्टैंड है और जहाँ पे मैं अभी हूँ वो है एरेंडोल, ऐसा कुछ तो कहते हैं, ठीक है, आप सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, क्यों करोगे वैसे। और बस अब बाय। दोपहर के 2 बज रहे और पहुंच चुका हूँ पूरी तरह से, कोई नहीं आया फिलहाल, मैं हूँ, मेरे को अपने भाई के घर जाना है, सुबह शाम को मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है मैं बता नहीं सकता। और ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, जो सोया हूँ ना बहुत गहरी नींद ना, फिर 5-6 घंटे सोने के सो के उठने के बाद फाइनली शाम हो गई है, धूप कम हो गई है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। और ये छोटू है, है छोटू याद हो कि नहीं, मैं ये छोटू है जो पिछले बार मैं से मिला था तो खुद छोटी थी, अब इसका छोटू भी है अलग से। बहुत प्यारी है, इसको जब भी देखता हूँ ना तो मेरे को लियो की याद आती है। और बाय द वे मेरे गांव में ना लस्सी बहुत टेस्टी मिलती है, एक लस्सी मतलब हर जगह मिलती है, कोई स्पेशल जगह नहीं है जो है करके, लेकिन गर्मियों के टाइम पर ना लस्सी मिलती है यहाँ पर और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पीने जाएंगे शाम को और कुछ खाने भी जाएंगे, बाहर का बहुत टाइम हो गया, बाहर का नहीं खाया हुआ है, और फिर बाद में मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय। सो हाय गाइस, तो अभी व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को इंक्लूड करनी थी, बहुत सारा मैंने ट्रैवल किया था बीच में, तो मैंने सब कुछ फ़ोन से शूट किया, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, हम लोग बाहर खाने गए थे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन व्लॉग ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, तो बस इसको मैं समअप कर रहा हूँ यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए मैं गया था शादी वाला वीडियो वो मैं आपको बताता हूँ, और वापस आते हुए घर वापस आने के बाद क्या हुआ, और बस आप ये वाला देखिए और बस वीडियो एंड हो जाएगा। I was listening to the ocean, I saw a face in the sand, but when I picked it up then it vanished away from my hands. Done. I had a dream, I was 7, climbing my way in a tree, I saw a piece of heaven waiting in patience for dawn. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And
I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. So guys, यहाँ पे हूँ मैं, ये ढाबा है, यहाँ पे मैंने अपना खाना ले लिया और ये हमारी बस, बस को भी बहुत टाइम है और कैमरा तो बैग में ही है तो कैमरा हम नहीं निकालेंगे। ये हमारी बस और ये ढाबा और ये हमारी सीट है सबसे पहले वाली और तो वो कुछ है नहीं। Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. Darling. And all this time I